BTIC online classes. How are you all? I hope you are all good. Today I will teach you English reader. So let's start now. तो बच्चों आज हम लोग English reader में क्या पढ़ने वाले हैं? A and B. क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? A for apple, B for ball. क्या पढ़ेंगे हम लोग English में? A for apple, B for ball. तो चलिए start करते हैं. तो बच्चों हम क्या बनाते हैं सबसे पहले ए फॉर एप्पल. तो ये हमारी कौन सी लाइन होती है बच्चों? ये हमारी स्लैंटिंग लाइन होती है. कौन सी होती है? स्लैंटिंग लाइन. नेक्स्ट ये हमारी स्लैंटिंग लाइन होती है और ये हमारी स्लीपिंग लाइन होती है. क्या होती है? स्लीपिंग लाइन होती है. वन सारी बच्चों ये हमारी स्लैंटिंग लाइन होती है, ये हमारी स्लैंटिंग लाइन होती है, ये हमारी स्लीपिंग लाइन होती है. ये हमारा क्या बन गया? ए फॉर एप्पल. क्या बन गया बच्चों? ए फॉर एप्पल. एप्पल मीन सेब. क्या बन गया? ए फॉर एप्पल. नेक्स्ट ये हमारी स्लीप स्टैंडिंग लाइन होती है, ये हमारी स्लैंटिंग लाइन होती है, ये हमारी स्लीपिंग लाइन होती है. वंस अगेन ये क्या बन गया हमारा? ए फॉर एप्पल. ये हमारी स्लैंटिंग लाइन होती है, ये हमारी स्लैंटिंग लाइन होती है, ये हमारी स्लीपिंग लाइन होती है. ये हमारा क्या बन गया? ए फॉर एप्पल. रिपीट इट अगेन. ये हमारी स्लैंटिंग लाइन. नेक्स्ट ये हमारी स्लैंटिंग लाइन. नेक्स्ट ये हमारी स्लीपिंग लाइन. क्या बन गया? A for apple. Apple means सेब. Next ये हमारी sleeping line होती है, ये हमारी slanting line होती है, ये हमारी sleeping line होती है. ये क्या बन गया हमारा? A for apple. Once again बच्चों ये हमारी slanting line होती है, ये हमारी slanting line होती है, ये हमारी sleeping line होती है. ये क्या बन गया हमारा? A for क्या बन गया बच्चों? A for apple. Apple means सेब. Apple means सेब. ये हमारी slanting line होती है, ये हमारी slanting line होती है, ये हमारी sleeping line होती है. क्या होती है? sleeping line. ये हमारा क्या बन गया? A for apple. Apple means सेब. Okay? ये हमारी slanting line होती है, ये हमारी स्लैंटिंग लाइन होती है, ये हमारी स्लीपिंग लाइन होती है. ये हमारा क्या बन गया बच्चों? ए फॉर एप्पल. एप्पल मीन सेब. अब हम क्या सीखेंगे? बी फॉर बॉल. क्या सीखेंगे बच्चों? बी फॉर बॉल. तो चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस करिए. ये हमारी स्टैंडिंग लाइन होती है. ओके ये हमारी आपको स्लैंडिंग लाइन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए. ये हमारी स्लैंडिंग लाइन होती है, ये हमारा कर्व होता है, फिर अगेन कर्व. ओके ये हमारा क्या बन गया? बी फॉर बॉल. बॉल मीन गेंद. क्या बन गया बच्चों? बी फॉर बॉल. बॉल मीन गेंद. वंस अगेन ये हमारी स्टैंडिंग लाइन होती है. कौन सी लाइन होती है बच्चों? स्लैंटिंग लाइन होती है. ये हमारा कर्व होता है. अगेन कर्व. क्या बन गया? बी फॉर बॉल. क्या बन गया? बी फॉर बॉल. बॉल मीन्स गेम. ये हमारी स्टैंडिंग लाइन होती है, ये हमारी ये कर्व होता है, यानी हमारा आधा राउंड. अगेन कर्व. क्या बन गया? बी फॉर बॉल. अगेन मेरे साथ प्रैक्टिस करिए. स्टैंडिंग लाइन कर्व. अगेन कर्व. क्या बन गया? बी फॉर बॉल. अगेन स्टैंडिंग लाइन कर्व. अगेन कर्व. बी फॉर
क्या बन गया? बी फॉर वॉच। अगेन स्टैंडिंग लाइन कर, अगेन कर, क्या बन गया बच्चों? बी फॉर बॉल। फिर स्टैंडिंग लाइन कर, अगेन कर, क्या बन गया? बी फॉर बॉल। रिपीट इट अगेन। ये हमारी स्टैंडिंग लाइन हो गई, फिर हमारा कर हो गया, अगेन कर हो गया, हमारा क्या बन गया? बी फॉर बॉल। बॉल मीन्स गेम। क्या है ये हमारी? बॉल है। बॉल मीन्स क्या हो गया बच्चों? गेम। ये हमारा क्या है? गेम। अगेन ये हमारी स्लैंटिंग लाइन हो गई, ये कर हो गया, ये अगेन कर हो गया, ये हमारा क्या बन गया? बी फॉर बॉल। ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग ने क्या सीखा? A for apple, B for ball। क्या सीखा? A for क्या बन गया?